महाराजगंज की है ललकार। अब की बार मनोज कुमार नगर पंचायत परिषद महाराजगंज से अध्यक्ष पद के अनुभवी उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ आशंसा समिति द्वारा आयोजित आजमगढ़ साहित्य महोत्सव पहुंचा गांव की ओर। रमेश सिंह आशंसा समिति की अध्यक्षा डॉक्टर प्रज्ञा सिंह के शादी की 25वीं सालगिरह के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हास्य रस के कवि शैलेंद्र मोहन राय, अटपटी मशहूर गीतकार विजेंद्र श्रीवास्तव, सिंगार रस के कवि जितेंद्र नूर व अजय उर्फ अर्जुन ने अपनी रचनाओं को सुनाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख लालगंज उद्धव सिंह सोनू, पूर्व चेयरमैन टाउन एरिया लालगंज शरद यादव, जिला पंचायत सदस्य राजकमल सरोज प्रधान व पवन यादव, सोनू तिवारी, नीरज प्रधान ने विचार व्यक्त किया। देश की तमाम समस्याओं पर उजाला डालने वाली कविताओं को प्रख्यात व लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर प्रज्ञा सिंह अध्यक्षा आशंसा समिति द्वारा सुनाया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पुष्पा सिंह व अतिथियों का स्वागत फेकू सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक अमरनाथ सिंह ने किया। कार्यक्रम का आयोजन रुद्र प्रताप सिंह ने किया और आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत भी किया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की खास रिपोर्ट। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा कार्यक्रम किया आजमगढ़ में 15 नवंबर को। वो कार्यक्रम इतना भव्य था कि हम अभी उसके हैंगओवर से मुक्त नहीं हो सके हैं। विजेंद्र जी, अटपट भाई वगैरह ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उस मेहनत के बाद भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित हो पाना इनका नितांत कठिन था। ये उनका प्रेम और स्नेह है कि वो यहाँ एक शार्ट नोटिस पर आ सके। मैं उन सभी का और आप सभी का, जो श्रुति सुधी श्रोता जन है, मैं सबका हृदय से सम्मान करती हूँ। कविता सुनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, पर इतने सुधी जनों को सुन करके मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अपनी कुछ कविताएं आपके सामने सुनाऊं। ये पहली कविता है ऊब के पक्षी। पहली कविता का शीर्षक है ऊब के पक्षी। हिलो थोड़ा सा और लोग हड़बड़ा जाते हैं। हिलो थोड़ा सा और लोग हड़बड़ा जाते हैं। झुको थोड़ा सा, नैतिक शास्त्र कहानियाँ नई लिखने लगता है। झुको थोड़ा सा, नैतिक शास्त्र कहानियाँ नई लिखने लगता है। उठो थोड़ा सा, सूरज हंसने लगता है। उठो थोड़ा सा, सूरज हंसने लगता है। रो थोड़ा सा, नदी दुखों से भर जाती है। बोलो थोड़ा सा, दुनिया के कब से बैठे ऊब के पक्षी पंख फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। बोलो थोड़ा सा, दुनिया के कब से बैठे ऊब के पक्षी पंख फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। दूसरी कविता और अंतिम, संभावनाएं चूकती नहीं हैं। संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। जीवन को कभी भी कहीं से फिर से शुरू किया जा सकता है। हो सकता है कि हम मिले और बात फिर वहीं से शुरू करें, वहीं जहां तुम्हारी आंखों के पनीले किनारे पर सहमी खड़ी थी एक कतरा जिंदगी। हो सकता है कि हम मिले और बात फिर वहीं से शुरू करें, वहीं जहां तुम्हारी आंखों के पनीले किनारे पर सहमी खड़ी थी एक कतरा जिंदगी। हथेलियों में बेशुमार रेखाएं बेतरतीब यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।